मधुबनी जिले में जन सुराज के जिला कार्यालय में आज जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड में जन सुराज का जिला कार्यालय बनाया गया है, जहां आज जन सुराज मधुबनी जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई। इस सभा में जिले भर से जन सुराज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य जन सुराज के नव निर्वाचित जिला पदाधिकारी का एक दूसरे से परिचय पत्र रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला संरक्षक फहीम अख्तर, जेपी सिंह, जिला प्रभारी प्रशांत पांडे, सभापति वशिष्ठ नारायण झा, जिला अध्यक्ष केशव भंडारी, जिला महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, संगठन महासचिव कबीरुद्दीन, जिला युवा अध्यक्ष रंजीत कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष रमेश कर्ण, राम प्रकाश ठाकुर, अशोक कुमार साहू, रमेश आशीष पासवान, मितन मुखिया प्रमोद सिंह, जिला सचिव दीपक साहा, प्रमोद कुमार उमेश सिंह, नागेंद्र प्रसाद यादव, नसीम अंसारी, ईद मोहम्मद, सुमित सिंह अनुमंडल, महिला अध्यक्ष अनुजा झा, मधुबनी सदर जयनगर अनुमंडल महिला अध्यक्ष रीता सिंह, अनुमंडल युवा अध्यक्ष हेमंत सिंह, मधुबनी सदर युवा अनुमंडल अध्यक्ष झंझारपुर मोहम्मद रहमतुल्ला, युवा अनुमंडल अध्यक्ष बेनीपट्टी दीपक कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी धर्मवीर प्रसाद सिंह, जिला प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष सिन्हा, MD फैयाज वीरेंद्र यादव, अनुमंडल अध्यक्ष राजेश कुमार, ब्रजेश राउत, दीपक पोद्दार, हरे राम ठाकुर, बालाजी मिश्र एवं अभियान समिति संयोजक वीरेंद्र यादव, सह संयोजक मनोज कुमार बिहारी, जिला अभियान समिति सदस्य मोहम्मद जियाउद्दीन, विनोद कुमार साह, चंद्रमोहन राय, राजेश पासवान, कुमार रवि, अतुल ठाकुर, मोहम्मद तमन्ना कमाल, परमानंद झा, राम नरेश ठाकुर, चंद्रभूषण प्रसाद यादव और अजीम मंसूरी आदि मौजूद रहे। जिला कार्यवाहक समिति के सदस्य व बेनीपट्टी के जिला पार्षद मोहम्मद जुबैर, विस्पी के जिला पार्षद मोहम्मद ताजुद्दीन, सभा में उपस्थित सभी जन सुराज के जिला कार्यकारिणी के पद अधिकारियों ने श्री प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने सभी उपस्थित लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी और बिहार परिवर्तन के इस महाअभियान में योगदान का मौका दिया। साथ ही सभी पद अधिकारियों ने श्री प्रशांत किशोर जी द्वारा चलाए जा रहे जन सुराज अभियान को अनुमंडल प्रखंड पंचायत से होते हुए बूथ स्तर पर लेकर जाने की बात पर सहमति जताई। इस अवसर पर उपस्थित अध्यक्ष ने मधुबनी की जनता को आश्वासन दिया कि आज से जनता के सभी सुख दुख में जन सुराज अभियान के लोग और वो स्वयं उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारी गणों में उत्साह का माहौल नजर आए और जन सुराज को बिहार की जनता के लिए सूर्य की नई किरण के जैसे नए जीवन की नींव बताया। लोगों ने विश्वास जताया कि जन सुराज ही बिहार को बाकी राज्यों की भांति विकास के मार्ग पर लेकर आएगा। मधुबनी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। तत्पश्चात हमारे सभापति साथ ही हम दोनों सर से निवेदन करेंगे आदरणीय अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे हमारे सभापति जी और जिला प्रभारी जी से कि हमारे युवा लक्ष्मी मैम से निवेदन करेंगे कि आदरणीय सविता जी को हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम राय सर भी यहां पे उपस्थित हैं। सबसे जरूरी हमें ये जंग जीतना है। जैसे आप देखिए जब बात आती है हिंदुस्तान की तो सब सेनाएं होता है, वहाँ कोई उम्र की बातें नहीं होती, किस पद पे है कोई। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बात बिहार सारे लोगों को एक होकर मधुबनी के लिए जो भी जंग लड़नी है हम सब मिलकर लड़ेंगे और दसों का दसों विधानसभा जीत के प्रशांत किशोर जी को गिफ्ट के तौर पर इसके लिए मैं जहां भी जैसे भी आप बोलेंगे मैं एवरी टाइम हमेशा आपके लिए रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, जहां भी बुलाएंगे जिस तरह बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा।